जब मैंने इस कॉलेज में ज्वाइन किया था 2003 में और आज में, मैंने, मेरे को लगता है कई लोगों ने, जैसे बच्चे खासकर उन्होंने वो जर्नी देखी नहीं, जो समय हम लोगों ने उस साइड जो पहला कदम था जो हमारे बेबी स्टेप्स थे उससे हाउ फार वी हैव ग्रोन है। लेकिन कुछ पिक्चर्स जो आज डॉक्टर पारुल ने प्रेजेंट की थी, दिस वाज जस्ट अ टिप ऑफ वर्क, टिप ऑफ लाइक अ टिप ऑफ आइसबर्ग दैट वी हैव डन। हमने जो काम किए हैं ठीक है, वो बहुत थोड़ा सा उसका हिस्सा हम दिखा पाए। डॉक्टर पारुल ने बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन किया और मैं शुक्रिया करता हूँ डॉक्टर सीमा द्विवेदी का, who was the creator and founder of this program, and it was his it was her creative idea for which we have started this course. The reason for starting this course was, मैं छोटी सी घटना का वर्णन करता हूँ, मैं विशेष तौर से बच्चों का ध्यान चाहूंगा, इसलिए मैं बोल रहा था उनको पहले रात खिलाइए अब सोएंगे ठीक है। तो कल एक मरीज मेरे ऑफिस में आया, प्रिंसिपल ऑफिस में आकर के उसने बोला डॉक्टर साहब एक बात आपसे बोलनी है। मैंने बोला क्या बात? पुराने मरीज हैं वो, ब्रजेश पाठक जी के भी शुरू से उनके साथ रहे, कहते सर आपके यहाँ पे बहुत अच्छा लगा चल रहा, सब इतना बढ़िया चल रहा है, मैं आपसे एक चीज चाहता हूँ। मैंने कहा क्या चाहते हैं? कहते क्या डॉक्टर से बोलिए ट्रीटमेंट आप ही दें, हमें पूरा ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, लेकिन बस बोले मीठे से। तो ये एक बड़ी चुभने वाली बात थी कि कहते हैं कि उनके उनकी जो भी मरीज हमारे पास में आता है उसकी भूख ये होती कि डॉक्टर भी जो जो भी हमारे पास में आता है व्यथित या पीड़ित आता है, हमेशा कष्ट में आता है। तो एज अ रेजिडेंट जब मैं अपनी बात करता था, जब मैं बीएचयू में था, यू नो वी हैव गॉट द हाईएस्ट इगोस, जब आप हमारे स्तर पर आएंगे तब आपको लगेगा यार क्या हम बचपना करते थे। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कोई भी अस्पताल बिना रेजिडेंट के नहीं चल सकता। हम लोग तो मुश्किल से एक या दो घंटे मरीजों के साथ में रहते हैं, लेकिन हमारे जो रेसिडेंट्स हैं 24 घंटे रहते हैं, एंड आई नो द एक्सटेंट ऑफ वर्क दैट आवर रेसिडेंट्स आर डूइंग। एनी हॉस्पिटल इज रन बाय द सिस्टर्स, द रेसिडेंट्स एंड पार्टी बाय द कंसल्टेंट्स। लेकिन फिर हम लोग कहां पे लैग करते हैं? गाये पगाये हम लोग को अखबारों में सुनने को मिलता है कि झगड़ा हो गया, और एज यूजुअल मैं इस पे वो भी नहीं करूंगा, आई मीन आज प्रेस वाले यहाँ पे हैं तो मेरे को मैं इस पे बोलने बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि हमेशा वी आर द पर्सन हु गेट्स स्लैक्ड। हम लोग थप्पड़ खाने के लिए हम ही बने होते हैं, इन द सेंस कई बार हमारी गलती होती है, कई बार दिमागदार की गलती होती है, लेकिन जब गलती किसी की हो इट इज द डॉक्टर हु आर टू बी ब्लेम्ड। तो इस प्रोसेस को खत्म करने के लिए, इन चीजों को खत्म करने के लिए हम देखो, हम मरीज या दिमागदार को तो बदल नहीं सकते, लेकिन कम से कम अपने को बदल सकते हैं। तो ये सोच रखकर कि हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, और जो रेजिडेंट्स यहाँ बैठे हैं कई सारे इस कॉलेज के प्रोडक्ट हैं, कई सारे बाहर के प्रोडक्ट हैं, मतलब दूसरे कॉलेज से हैं। मैं नहीं जानता आपके कॉलेज में क्या सिखाया गया, लेकिन जब तक आप इस कॉलेज में हैं तो यहाँ का एक अलग कल्चर है, अलग तरीका है, और हम लोग प्रदेश में इस वक्त में सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में एक है। आप सबको गर्व होना चाहिए, क्योंकि हाल ही अभी कल परसों की बात है, मैंने एक रेजिडेंट था, जैसे कि कोई साउथ से आता है यहाँ खान पान डिफरेंट है, तो अभी जैसे एक रेजिडेंट था वो बड़ा परेशान था कि मेरे को वो जो साउथ इंडियन खाना नहीं मिल रहा है यहाँ पे खाने में। दूसरी बात है उसको लैंग्वेज थी, ही कैन नॉट शेयर हिज लैंग्वेज, उसको हिंदी नहीं आती थी। तो देखिए ये प्रॉब्लम्स तो आती रहेगी, लेकिन हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस प्रॉब्लम डिस्पाइट, हमारे बहुत सारे नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो साउथ में जाते हैं बट दे लर्न साउथ इंडियन लैंग्वेज, कन्नड़ा तमिल ऑल दिस लैंग्वेजेस, एंड विद आफ्टर वन ईयर दे स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद द पेशेंट्स। ये प्रॉब्लम तो आपको अपने स्तर पे खत्म कर दी, लेकिन कुछ आपके जो इनहेरेंट हम लोग के अंदर है ऐसे डॉक्टर्स जो हमारे से सोसाइटी ज्यादा एक्सपेक्ट करती है, तुलनात्मक दृष्टि से जाके और अगर सोसाइटी हमें भगवान मानती है तो हमें भगवान की तरह आचरण भी करना पड़ेगा। तो उसी के लिए हमारे सारे फैकल्टी के साथ हमने एक मीटिंग की थी पिछले साल, ये हमारा द्वितीय वर्ष है जिसमें हमने खासकर फर्स्ट ईयर्स के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का मोटा मोटा, मैं अगर मुझसे कोई बोले कि क्यों आप ये करा रहे हैं, तो छोले भटूरे के अलावा दूसरा पर्पज ये है कि हाउ यू इंटरेक्ट विद द पेशेंट्स।
मोस्ट ऑफ टाइम हमारे झगड़े सिर्फ इसलिए होते हैं, हमारे से इतनी मेहनत करते हैं, इतना अच्छा करते हैं, लेकिन दे डोंट हैव टाइम टू टॉक टू द पेशेंट्स। और मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट और स्पीकर बैठे हुए हैं, डॉक्टर गणेश, जिन्होंने खुद क्लासेस ली हैं, एंड ही इज अ वेरी 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 गुड ओरेटर और वेरी गुड प्रेजेंटर। अभी आप इनको सुनेंगे तो आप फील करेंगे कि कैसे, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ टू द पेशेंट, आपको उसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ज्यादातर झगड़े इसलिए होते हैं, आप सब करते हैं, सिर्फ बात ही तो नहीं करते हैं, ठीक है। सिर्फ बात अगर आप ठीक से कर लें, मरीज की 50% बीमारी खत्म हो जाएगी, 50% ग्रीवियंसेस पेशेंट के जो है वो खत्म हो जाएंगे। खैर, मैं इस टॉपिक के इतना विद्वान नहीं हूं, मैंने आज एक बहुत ही अच्छे शख्स को आप सबके सामने प्रेजेंट किया, जो पूरे समाज का दर्पण, हमें मीडिया कहते हैं, मीडिया सर, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है या एक समाज का दर्पण, क्योंकि इनके पास में सब क्राइम रिपोर्ट भी आती है, मेडिकल की भी आती है, सब जगह की आती है, तो इनको पता, इनके पास में फीडबैक भी जाता है हमारा कॉलेज का। तो इसलिए मैंने जो एडिटर है श्री आशीष त्रिपाठी जी हिंदुस्तान के, तो इस बार मैंने कहा कुछ नया किया जाए, तो इसमें मेरे को डॉक्टर सीमा द्विवेदी ने आइडिया दिया, क्यों ना हम सर को इन्वाइट करें जो हमारे एडिटर इन चीफ है हिंदुस्तान के, एंड उन्होंने खुद वो मेरे पास में, उन्होंने बोला मैं बच्चों से कुछ कहना चाहता हूँ। तो मैंने कहा आपका तहे दिल से स्वागत है, क्योंकि हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, मैं भी मेडिको हूँ, आप भी मेडिको, कई चीजें हम लोग स्किप कर जाएंगे, लेकिन मेरे को लगता है कि एडिटर साहब जो बात बोलेंगे उसमें से कई सारी ऐसी बातें जो शायद हम लोग को भी नहीं मालूम होंगी, इसलिए आज हमें एज ए बतौर चीफ गेस्ट बुलाया है, और जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज ही इज अ फेस ऑफ द सोसाइटी, मतलब समाज का फेस है, तो समाज हमसे क्या चाहता है, क्या हमसे एक्सपेक्ट करता है, वो आज हम आपके मुंह से सुनेंगे। अब मैं बात को ज्यादा नहीं बढ़ाते हुए मैं सीमा मैडम से बोलूंगा, प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए, और जितने भी फैकल्टी हैं और रेसिडेंट्स हैं, सब लोग को मैं चाहता हूँ प्लीज हमारे चीफ गेस्ट साहब को ध्यान से सुने, और इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे ढंग से अटेंड करना आप लोग, क्योंकि ये आपके जीवन भर मदद करेगा। हमारे टाइम पे कोई आई डिड माय एमएस फ्रॉम बीएचयू एंड माय यूजी फ्रॉम आगरा, लेकिन एक बात मैंने जो डिफरेंस देखा कि कहीं पे भी कोई पीजी ओरिएंटेशन नहीं होता। अब आप जाकर के गवर्नमेंट ने एनएमसी में पोस्ट ग्रेजुएट यूजी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टार्ट किया, इसमें हमें एथिकल वैल्यू सिखाई गई। छोटा बस एक बात बोल के अपनी बात खत्म करूंगा, जब हम यूजी में थे तो हम लोग हमारे आइडल कौन होते थे, आप लोग की जनरेशन की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक इन 1980s। हमारे बड़े से टीचर आते थे बड़ी गाड़ी लेकर के, सूट टाई पहन करके, बहुत फर्राटे था अंग्रेजी से, FRCS को सब FRCS होता, आप FRCS कहते उसको, और FRCS होता था या FRCP होता था, वो आकर के बहुत फ्लुएंटली बहुत अच्छी अंग्रेजी में लेक्चर लेके जाते थे, हम सब ताली जाते, क्या लेक्चर दिया समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन हम ताली आप जाते थे बहुत जोर से, क्या क्यों, बट वी वर अमेज बाय द पर्सनैलिटी, है ना, हम उसने क्या बोला इससे अमेज नहीं हो रहे, हम उसकी पर्सनैलिटी से अमेज हो रहे, वो बातें बोलते चला जाता था, बच्चों हमारे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हमारा आईटी कौन बनता था, ये लोग बनते थे, लेकिन क्या ये समाज का असली चेहरा थे, नहीं। अब समय आ गया कि हम लोग भी अपने को बदलें समाज के अंदर, क्योंकि अब समाज की एक्सपेक्टेशन हमसे बढ़ रही है, खास करके कोविड के बाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, और एक मैं खासकर से डॉक्टर जीडीआदा साहब का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वो आपके पीजी प्रोग्राम के जो कोऑर्डिनेटर हैं, पीजी टीचर एजुकेशन के कोऑर्डिनेटर हैं इसके, और उनका भी काफी सहयोग रहा है। सो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि जो एडिटर साहब बोलेंगे आप उसको ध्यान से सुनेंगे।